नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। यूपी के झांसी में विश्व हिंदू महासंघ के तत्वाधान में श्री राम जन्मभूमि भजन की प्रथम वर्षगांठ ग्वालियर रोड स्थित सिद्धेश्वर मंदिर के प्रांगण में भव्य रूप से मनाया जाएगा। विश्व हिंदू महासंघ के पंचवटी कॉलोनी स्थित कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सदर विधायक रवि शर्मा के पुत्र परम शर्मा ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि की प्रथम वर्षगांठ पर विश्व हिंदू महासंघ द्वारा श्री राम मंदिर के स्वरूप की गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ भव्य आरती की जाएगी। उन्होंने बताया कि अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर हिंदुत्व का प्रतीक है। इस मंदिर की रक्षा के लिए हजारों लोगों का बलिदान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण का जो फैसला सुनाया था वह सराहनीय है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर की खूबसूरती दुनिया में अनोखी होगी। परण शर्मा एवं विधायक प्रतिनिधि महासंघ के अध्यक्ष दिलीप पांडे ने बताया कि प्रथम वर्षगांठ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एमएलसी विजय बहादुर पाठक, गुना सांसद कृष्णपाल यादव, झांसी सदर विधायक पंडित रवि शर्मा, महासंघ के मंडल प्रभारी पवन जैन एवं सिद्धेश्वर पीठ के आचार्य हरिओम पाठक जी मौजूद रहेंगे। आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख को एक वर्ष पूर्ण हो जाएगा राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण को और भूमि पूजन को। ये जो तिथि है मुझे लगता है आने वाले वर्षों में हिंदुओं के गौरव का प्रतीक की तरह उभर के आएगी। इस तिथि पे हमने कल ये पहला कार्यक्रम होगा सिद्धेश्वर मंदिर में। हमने एक बहुत ही भव्य प्रतिमा बनवाई है जिसका समस्त लोग जितने भी हैं वो उद्घाटन करेंगे। पंडित रवि शर्मा जी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और आप सभी का स्वागत है। आपके माध्यम से समस्त नागरिकों का, झांसी के सभी का मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ पर मौजूद रहें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। यूएफटी न्यूज 24 के लिए अंसार हुसैन की रिपोर्ट।